हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कैसे बने, हाउ टू बिकम अ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। अगर दोस्तों आप आयकर विभाग में यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर बनना चाहते हो तो कैसे बने, इसी टॉपिक पर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। दोस्तों जैसा कि दोस्तों हम आपको बता दें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ही सम्मानजनक डिपार्टमेंट है। अगर इसमें आपकी पोस्टिंग एज आ इंस्पेक्टर हो जाती है तो पूरी समाज में लोग आपका सम्मान करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो दोस्तों आयकर विभाग में नौकरी करना एक बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। तो हम आपको बताएंगे कि आयकर विभाग में इंस्पेक्टर कैसे बने, उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात की जाए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर बनने के लिए एक जो एग्ज़ाम होता है SSC CGL। SSC एक दोस्तों संस्था है जो बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। SSC का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वहीं CGL का फुल फॉर्म है कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो SSC CGL नाम से एक एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन की डिग्री पास होनी चाहिए, यानी कि दोस्तों आप अगर ग्रेजुएट हो तो SSC CGL एग्ज़ाम देने के लिए आप एलिजिबल हो और आप इंस्पेक्टर बनने के लिए भी एलिजिबल हो। दोस्तों इसमें एज आप इंटरनेट से चेक कर लेना कि कितनी एज रहती है, 18 से लगभग 30 साल के बीच आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। तो दोस्तों अब बात की जाए SSC CGL का जो एग्ज़ाम होता है इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। दोस्तों ये एग्ज़ाम 4 चरणों में होता है। फर्स्ट चरण में होता है प्री एग्ज़ाम में आपसे मैथ, इंग्लिश, GK, रीजनिंग से 4 सेक्शनों से, एक सेक्शन से 25 क्वेश्चन, तो 4 सेक्शन से 100 क्वेश्चन 200 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि 200 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है प्री। अगर आप प्री एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो मेंस के लिए। दोस्तों मेंस एग्ज़ाम में सिर्फ 2 पेपर होते हैं, 200 नंबर के, 400 नंबर के 2 पेपर होते हैं। एक पेपर का 200 नंबर और दूसरे पेपर के भी 200 नंबर, यानी कि 400 नंबर में आपका मेंस होता है। मेंस में आपसे ओनली मैथ 200 नंबर में और इंग्लिश 200 नंबर में पूछी जाती है। अगर आप मेंस क्लियर कर लेते हो उसके बाद आता है चरण 3, टायर 3। दोस्तों डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जिसमें आपसे ऐसे राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग करवाई जाती है। अगर आप टायर 3 भी क्लियर कर लेते हो उसके बाद बनती है एक फाइनल मेरिट लिस्ट। और दोस्तों उसके बाद होता है टायर 4। टायर 4 में यानी कि चरण 4 में ओनली क्वालिफाइंग होता है, जिसकी टायर 3 तक की कट ऑफ में नाम है वही टायर 4 के लिए एलिजिबल है ओनली। टायर 4 में ओनली स्किल टेस्ट होता है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। दोस्तों आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट भी बनती है वो ऊपर के 3 चरणों को मिलाकर बनती है। अगर उसमें आपकी रैंक अच्छी है, यानी कि दोस्तों अगर आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आए हैं तो आपकी रैंक भी अच्छी ऊपर आएगी। अगर आपकी रैंक अच्छी आ जाती है तो दोस्तों आपको इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल सकती है। अगर दोस्तों आपके मार्क्स कम हैं तो आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट नहीं मिलेगी, आपको और छोटी पोस्ट मिल जाएंगी जैसे कि टैक्स असिस्टेंट, बहुत सारी होती हैं। दोस्तों SSC एक संस्था है, SSC के द्वारा, SSC CGL एग्ज़ाम के द्वारा भारत सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं उनमें आपकी पोस्टिंग होती है, जैसे कि दोस्तों आयकर विभाग, GST डिपार्टमेंट, CBI, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस मिनिस्ट्री। तो दोस्तों भारत सरकार के कुल मिलाकर जितने भी मंत्रालय हैं उनमें आप SSC CGL के द्वारा उनमें आपको जॉब मिलती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।